हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परफेक्ट यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को इस वीडियो में हम बताएंगे कोरल ड्रा 12 में आर्या ऑनलाइन सर्विस सेंटर का फ्लेक्स कैसे बनाएं। ये जो हमारा फ्लेक्स रहेगा दोस्तों, 8x3 का रहेगा और यहाँ पे देखिए इंचेज में दिया है, तो हम यहाँ से कर देंगे फिट में और यहाँ पे लिख लेंगे 8 और यहाँ पे गुणे कर देंगे 3 और इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा देखिए ये 8x3 का यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा। देखिए 8x3 का यहाँ पे एक बॉक्स बन गया दोस्तों। और इसको हम ये जो हमारा मैटर है इसको सेटअप करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा जो एक केवल बॉक्स बना है और इसमें हम रेक्टेंगल सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल टूल है, हम जब डबल टिक करेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें जाएंगे इंटरेक्टिव ब्लेंडिंग टूल में और इस पे टिक करके यहाँ पे दूसरे इंटरेक्टिव कंट्रास्ट टूल पे जाएंगे और अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे अपने माउस पॉइंटर से अंदर की तरफ, तो कुछ इस तरह का बॉर्डर बन जाएगा, यानी कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएंगे। और इसको जूम पॉइंटर से यहाँ से लेकर जूम करेंगे और देखिए यहाँ पे हमने फिट में किया था दोस्तों, यहाँ से फिलहाल हम कर देंगे इंच में और हमें 1 इंच का बॉर्डर देना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेंगे, ड्रैग करेंगे और ये जो रेक्टेंगल है दोस्तों, इसको टिक रहने पे जब हम यहाँ पे एक करेंगे और एक करेंगे और एक टूल लेंगे तो 1 इंच का मिलेगा। और यदि हम इंच में यहाँ पे यदि हम करते हैं तो हमारा जो बॉर्डर बना है ये फिट में बना है और ये रेक्टेंगल जो है इंच में बना है। रीजन क्या है कि हमने यहाँ से ऑलरेडी पहले इंच में लिया था और फिट में बनाने के लिए तो हमने पहले फिट में लिया था, तो इस यहाँ पे इंच में हो गया दोस्तों। और इसको सेटअप करना सीख लें, 1 इंच का बॉर्डर देते हैं यहाँ से, फिर फिट में कर देते हैं दोस्तों और यहाँ से जूम पॉइंटर लेके जूम करते हैं और इसको यहाँ पे ड्रैग करके रखते हैं और राइट क्लिक करके ब्रेक ए पार्ट दोस्तों, या फिर इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के कर सकते हैं। और फिर इस एक बार राइट ऑल अनग्रुप करेंगे और इसके बाद यहाँ से जो अंदर का पार्ट बच रहा है दोस्तों, ये जो हमारा रेक्टेंगल बना है 1 इंच का, 1 इंच का बॉर्डर हमें मिल चुका है और जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, अंदर का भी डिलीट करेंगे। हमने 1 इंच का जो था दोस्तों उसको हमने पहले डिलीट कर लिया। और ये जो बॉर्डर रहेगा इसमें हम मान लीजिए डीप नाइट ब्लू कलर देते हैं और इसमें हम व्हाइट कलर फिल कर दें। इसका आउटर लाइन अभी फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं दोस्तों, कंट्रोल यस करते हैं। तो ये हमें हमारा जो पेज है उसको हमने सेव नहीं किया था और ये पूछ रहा है कि किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, फिर किसी फोल्डर में। मान लीजिए मैं इसी फोल्डर में, ये हमारा जनसेवा केंद्र फ्लेक्स का एक फोल्डर है, तो मान लीजिए आपको मैं न्यू डेस्कटॉप पे चूज किया और यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू फोल्डर दिया है, इस पर टिक किया और इस पे मैं रीनेम कर देता हूँ राइट क्लिक करके। और देखिए मैं 8x3 का दे देता हूँ और इसमें डबल टिक करके ओपन करता हूँ और जो हमारा ये फाइल है उसको हम इसमें सेव कर देंगे, CDR फाइल, ताकि सेव इसलिए हम करते हैं दोस्तों कि जो हमारा प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, बाय द वे हमारा सिस्टम हैंग कर जाए तो उस पे हम फिर से सिस्टम को बंद करके फिर से सिस्टम को चालू करके उस पे काम कर सकते हैं, इसलिए हम सेव करते हैं दोस्तों और काम करते जाते हैं, कंट्रोल यस करते जाते हैं, सेव सेव पे सेव करते जाते हैं ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो खराब ना हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इतना सेव सेव कर लिया और इसके बाद दोस्तों हमारा जो आर्या ऑनलाइन सर्विस सेंटर है इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं फिलहाल और इसे भी मान लीजिए हम यहीं पे डायरेक्ट करके सेटअप करेंगे दोस्तों, इसमें कलर भी फिल करेंगे और इसे यहाँ पे रखते हैं दोस्तों। और बच रहा है हमारा ये देखिए इतना मैटर जो है, हम मैटर को यहाँ पे ड्रैग करके इसमें यहाँ पे सेटअप करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे हम सोचते हैं कि इसलिए जो हमारा जो टेक्स है सबको हम एक रेक्टेंगल बॉक्स में सेट करें। तो रेक्टेंगल बॉक्स में सेट करने के लिए यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से कुछ इतना सा ड्रॉ करेंगे और यहाँ से शेप टूल लेंगे दोस्तों, शेप टूल को यहाँ से शेप राउंडेड कर देंगे कुछ इतना सा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इलिप्टिकल टूल दिया है, इलिप्टिकल टूल को लेंगे
और यहाँ पे ड्रैग करेंगे कंट्रोल बटन के साथ, कंट्रोल बटन को प्रेस करके ड्रैग करेंगे। और ड्रैग करने के बाद दोस्तों कुछ इसके ये सेंटर में रखेंगे, जूम पॉइंटर से जूम करते हैं फिलहाल। और यहाँ पे रखे दोस्तों, और शिफ्ट बटन के साथ इसे भी सेलेक्ट करेंगे और इसे भी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया है ट्रिम, ट्रिम कर देंगे। और जो ये बाहर का जो एक इलेक्ट्रिकल टूल बचा है इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें, तो कुछ हमें इस प्रकार से शेप मिल जाएगा। और यहाँ से शेप टूल लेंगे और इसे थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देंगे, कुछ इतना सा। और एक यहाँ पे थोड़ा सा इसमें और स्पेस दे देते हैं दोस्तों, जूम पॉइंटर से जूम के। और इसमें कुछ इतना सा दोस्तों, इसको थोड़ा सा राउंडेड कर लेते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, और फिर यहाँ से एक इलिप्टिकल टूल लेंगे और ड्रैग करके इसमें एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे दोस्तों। और इसमें कोई कलर दे देते हैं, और इसमें भी दोनों सेम कलर, और इसका आउटर लाइन नन और इसका भी आउटर लाइन नन कर देते हैं दोस्तों। और इसका जो शेप है इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि हमारा जो शेप रहे वो दिखे। और कुछ इस प्रकार से हमारा जो शेप रहेगा दोस्तों बन जाएगा। और इसको हम इसको सेटअप करना सीख लेते हैं। और एक शेप यहाँ पे रखते हैं, हमने एक के यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के माध्यम से और इलिप्टिकल टूल के माध्यम से एक शेप बनाया। और इसमें हम अपना जो टेक्स है उसको सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका एक कॉपी करेंगे, माउस पॉइंटर के पॉइंट बटन को क्लिक करके और यहाँ से ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे और छोड़ देंगे, या फिर प्लस बटन से भी कॉपी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो हमारा कॉपी बनता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 6 का एक रेक्टेंगल बनाया और सब कुछ दोनों को सब रेक्टेंगल जो इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। और सेंटर में आने के बाद दोस्तों कुछ हम हमें इसका जो ये एरिया है इसको चेंज कर देंगे, तो इसे यहाँ से मिरर बटन कर देंगे और इसे भी यहाँ से मिरर बटन और इसे भी यहाँ से मिरर बटन। और इनका हमें कलर चेंज कर देना है। और इसमें हम कोई और कलर दे देते हैं दोस्तों, मान लीजिए मैं एक कलर देता हूँ और इसमें रेड फिल कर देता हूँ दोस्तों ये वाला, और इसमें डार्क ग्रीन कर देता हूँ दोस्तों, और इसमें कोई और कलर दे देते हैं दोस्तों फिलहाल यही, और इसमें भी कोई और कलर दे देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार से एक जो हमारा रेक्टेंगल है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। और सबको सिलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो दोस्तों एक ग्रुप हो जाएंगे। और सेम वैसे ही राइट क्लिक माउस पॉइंटर से करेंगे और एक कॉपी और नीचे की तरफ कर देंगे। और देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे भी एक को कॉपी किया। और देखिए दोस्तों, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी एक वैसे ही सेम पैटर्न डिजाइनिंग हो जाएगा। और कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। और एरो की से ऊपर ड्रैग करके शिफ्ट कर देंगे दोस्तों, और सेटअप हो चुका है। और इसमें हम अपना जो हमारा ये टेक्स है टेक्स को सेटअप करें और सबको हम सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट बटन के साथ पेज अप करेंगे दोस्तों, तो हमारा पेज अप हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे और सबको इसमें सेटअप कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट कर देता हूँ और और देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो टेक्स था उसको हमने इसमें सेटअप कर लिया, जो हमने एक शेप बनाया था और रेक्टेंगल टूल और इलिप्टिकल टूल के माध्यम से। और यहाँ पे हमने वीडियो फॉरवर्ड कर दिया था और
आप लोग वैसे मेटा टाइप करके सेटअप कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारा वैसे आ रहा है ऑनलाइन सर्विस सेंटर, और हमारा जो पता रहेगा और जो प्रोपराइटर और ये हमारा जो लोगो है इसको भी सेटअप करना इसमें सीख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल, और रेक्टेंगल टूल को यहाँ पे ड्रैग करते हैं और यहाँ पे इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे जाएंगे पावर क्लिप, पावर क्लिप, और यहाँ से पावर क्लिप कर देते हैं और इसमें एडिट करके और यहाँ पे रखते हैं दोस्तों इसको, और इससे थोड़ा सा इसकी जो चौड़ाई है इसको छोटा करेंगे और इसकी जो ये लंबाई इसको बढ़ा देंगे, और इसमें कोई कलर दे देता हूँ, मान लीजिए डीप नेवी ब्लू दे देता हूँ, और एक प्लस बटन से कॉपी करता हूँ दोस्तों, तो कुछ इतना सा रखेंगे और एक यहाँ से ड्रैग करके बाहर की साइड कर देंगे और यहाँ से कर देंगे इसका जो कॉर्नर है राउंडेड कर देंगे कुछ इतना सा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों इसमें हम कोई कलर दे देते हैं, यहाँ पे इसमें एक कलर देता हूँ और इसे ग्रेडियंट बना लेता हूँ, यहाँ पे जिस लेके और यहाँ पे जाएंगे रेडियल और यहाँ पे बढ़ा देंगे और इसमें कोई और कलर दे देता हूँ ये वाला। तो हमारा जो सोशल मीडिया फ्लेक्स यानी जो हमारा फ्लेक्स रहेगा पोस्टर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और इसका आउटर लाइन यहाँ से नन कर देता हूँ दोस्तों, और इसे इसका एक फिर प्लस बटन से कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, और यहाँ से इरेजर टूल में जाएंगे और यहाँ से इरेज कर देंगे दोस्तों, और यहाँ से देखिए दोस्तों इरेज करने के बाद इसे हम ड्रैग करके ऊपर रखेंगे और इसका जो शेप कुछ इतना सा दिखेगा दोस्तों, और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और इसका कलर हम दोस्तों व्हाइट कर देते हैं और इसको इसमें सेटअप कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे दोस्तों, और इसे इसमें जो नीचे अंदर की तरफ इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो आर्या ऑनलाइन सर्विस का शेप है वो बन जाएगा, और इसे हम ड्रैग करके ऊपर रखते हैं और ये हमारा प्रोपराइटर है इसको यहाँ पे रखते हैं, और थोड़ा सा जूम पॉइंटर से जूम करेंगे और इसका जो मोबाइल नंबर और प्रोपराइटर इसको इसका कलर हम येलो कर देते हैं और कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, और इसमें हम जो हमारा सीएससी का लोगो है सीएससी का लोगो को यहाँ पे रखेंगे और ईपीएस को भी यहीं पे रखेंगे और ये आधार जो लोगो है इसको भी यहाँ पे रख के बड़ा कर देंगे, और देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा सेटअप हो जाएगा। और ये जो हमारा पता पता बच रहा है पता को यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे और इसमें येलो कलर दे देते हैं दोस्तों इसका आउटर लाइन नन, और यहाँ से इरेजर टूल लेके इरेज कर देते हैं दोस्तों, यहाँ से इरेज किए दोस्तों, और एक फिर इसे प्लस बटन से कॉपी करेंगे और यहाँ से मिरर कर देंगे और इसे ड्रैग करके यहाँ पे रखेंगे और दोनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट बटन को के साथ में, और यहाँ से ई प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, और जो अंदर के सही पदार्थ आधार की तरफ जा रहा है इसको छोटा करेंगे, और ये जो हमारा पता है पता को इस पे रखेंगे शिफ्ट बटन के साथ पेज अप करेंगे और इसका कलर हम कर देंगे रेड दोस्तों, इसका कलर रेड कर देते हैं और इसका आउटर लाइन बढ़ा देते हैं F12 प्रेस करके, ओके करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा जो फ्लेक्स रहेगा आर्या ऑनलाइन सर्विस सेंटर और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए दोस्तों इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा बन चुका है, और इसमें आप आउटर लाइन दे देंगे तो और बेटर लगेगा, F12 प्रेस करके थोड़ा सा आउटर लाइन बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा आर्या ऑनलाइन सर्विस सेंटर बन चुका है। इसमें आप 3D चाहे ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, और यहाँ से देखिए मान लीजिए मैं बता देता हूँ प्लस बटन से कॉपी करेंगे और इसे थोड़ा सा ड्रैग किधर करेंगे और जो नीचे वाला बच्चा है दोस्तों उसे ड्रैग करके छोटा कर देंगे,
और इसे कुछ इस प्रकार से रखेंगे, और जो हमारा आ रहा है ऑनलाइन सेंटर, इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ और सेंटर में कर देंगे। और जो नीचे वाला इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर ये रखता हूँ, और यहाँ से ब्लेंडिंग टूल लेता हूँ और इनको यहाँ से टच करके यहाँ तक रख देता हूँ, और इसका यहाँ से थिकनेस बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए मैं 300 यानी 300 तक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा आर्य ऑनलाइन सर्विस का जो फ्लेक्स है यानी पोस्टर जो है बन जाएगा, और इसका कलर आप लोग जो रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख लीजिए। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसका CDR लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सीख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।